दूध महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ ही महंगी है। अगर सस्ती है तो मौत है। जो कुछ हमारे साथ गुजर रही है वो हमें पता है ना। घी का रेट रोजाना दूसरा होता है, आटे का रेट दूसरा होता है, चीनी का रेट दूसरा होता है। जिस वजन की हुकूमत ने तय की हुई है उस वजन पे रोटी नहीं मिल रही। हमारा फूड वालों से मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने 120 ग्राम किया था खैबर पख्तूनख्वा से, ये ऑर्डर आया था और उस हिसाब से हम 120 ग्राम वजन दे रहे हैं 20 रुपए में रोटी का। कभी आटा बहुत चढ़ जाता है फिर हमारे लिए बड़ा मसला होता है कि 120 हम कैसे दें। जैसे अब 5,500 रुपये आटे का गट्टू, एकदम ये चढ़ा देंगे 6,000 रुपये, फिर वो कहते हैं 120 दे, फिर हमारे लिए बहुत मसला होता है। महंगाई के बारे में तो अल्लाह माफ़ी दे, बस जो कुछ हमारे साथ गुजर रही है वो हमें पता है ना। पूरी चीज़ तो नहीं मिलती क्या को, बस वो वजन में सही नहीं मिल रही लेकिन पैसों में ज़्यादती होती है। दूध महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ ही महंगी है। अगर सस्ती है तो मौत है। असल मसला मजदूर का है। ये सरदारी साहब ने जो 35% तनख्वाह बढ़ा दी लोगों की, मजदूर के बारे में सोचा है? इनकी 1 करोड़ भी कर दो लेकिन इन्होंने करप्शन फिर भी करनी है। मजदूर के बारे में सोचो। हुकूमत ने 120 ग्राम का जो ऐलान किया है वो आटे की जो है ना कीमतों की मद्दनज़र रखते हुए उन्होंने इसका ऐलान किया है। इसमें हम अभी जो है नई जो है 120 ग्राम की रोटी चला रहे हैं और आवाम भी हमारे से खुश है, वो लेकर जा रही है। इसके मरहलात में अगर आप देखें तो इसमें हमारी दुकान का किराया भी है, कॉस्ट भी आती है, हमारे कारीगर भी हैं, दिहाड़ियाँ भी निकलती हैं। हम हुकूमती हुकूमती जो है जो वजन हुकूमत हमें देती है उसी हिसाब से हम चलते हैं। यह गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। गरीब आदमी रोटी ख़रीद भी नहीं सकता। हुकूमत इस बारे में कोई सदबाब नहीं कर रही। जितनी अशाई खुर्दनोश है सब की सब महंगी है। हम ये कहते हैं हुकूमत से कि कम अज़ कम जो गरीब के खाने पीने की अशिया है वो कम कर दे रेट। जिस वजन की हुकूमत ने तय की हुई है उस वजन पर रोटी नहीं मिल रही, ठीक है जी। और जो रेट तय उन्होंने किया है उस रेट से ज़्यादा महंगी मिल रही है और वजन वैसे नहीं है। 500 रुपये कमा के लाता है वो, 800 रुपये कमा के लाता है, 1,000 रुपये कमा के लाता है। जब वो बाज़ार में सामान खरीदने जाता है तो घी का रेट रोज़ाना दूसरा होता है, आटे का रेट दूसरा होता है, चीनी का रेट दूसरा होता है। ये गरीब आदमी क्या करे? जैन इस्माइल खान के अंदर तो मरण है कि इंसान कमाए या अपने घर के खर्चे पूरे करे। कंकोडिया कॉलेज सईद अहमद अख्तर कैंपस, डेरा इस्माइल खान, आपके बच्चों का मुस्तकबिल सवारने में सबसे आगे। डेरा इस्माइल खान की तारीख में जदीद तरीन तदरीसी निज़ाम और तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, जहां बेहतरीन तालीमी मयार को यकीनी बनाने के लिए कंसेप्चुअल स्टडीज पर फोकस किया जाता है। एडमिशंस आर ओपन इन FSC, ICS एंड FA। तो आज ही हमारे कैंपस का विजिट कीजिए या मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर रابطہ कीजिए 03348550011।